वेलकम टू रशियन रेवोल्यूशन सीरीज। सो हम लोग बात कर रहे थे रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में, और मैंने अभी तक आपको फर्स्ट लेक्चर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट रशिया, रशियन ज्योग्राफी एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। सो आज हम लोग अपने डिस्कशन को फिर से आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन क्या था, क्या क्या मेन रीजन थे। तो अब हम लोग बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन में कि रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर जो भी इकोनॉमी थी, इट मीन्स व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रशियन इकोनॉमी एट टाइम ऑफ रेवोल्यूशन पीरियड, दैट मीन्स इन 18th एंड 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। तो मैंने आपको बताया था कि रशियन एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी, दैट वाज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रशिया थे इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एंड उसके बाद फिर मैंने आपको सेकेंड बताया था कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था रशिया में वो बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम होगा तो जो वर्कर्स की डिमांड है डेफिनेटली इट विल ऑल्सो भी एट अ लो लेवल, तो वो भी बहुत लो लेवल पे थी। बट जो वर्कर की डिमांड थी और वर्कर की जो डिमांड फिर भी जो थी, वो वर्कर की डिमांड के साथ साथ उनकी जो लिविंग कंडीशन थी जब वो फैक्ट्री में वर्क करते थे वो भी बहुत ज़्यादा माइजरेबल थी, बहुत ज़्यादा पिटिएबल थी। यानी कि उनकी अच्छी कंडीशन नहीं थी। क्यों कंडीशन नहीं थी? क्योंकि दे पीपल वर गेटिंग द लो वेज। जो वर्किंग आवर्स थे उनके, जो काम करने के घंटे थे उनके, लाइक 8 घंटे की जॉब है, 5 घंटे की जॉब है, वो जॉब उनकी काफ़ी लॉन्ग आवर्स की होती थी, लाइक 12 आवर्स, 14 आवर्स, 16 आवर्स एंड समवेयर इट वॉज अराउंड 18 आवर्स ऑल्सो। तो बहुत लंबे जो टाइमिंग थे वो बहुत ज़्यादा थे और कंपैरेटिवली जो वेजेस थे वो बहुत कम वेजेस हुआ करते थे। तो अब जब वेजेस आपको कम मिलेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी लो होगा। देखिए वेजेस क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आई डोंट थिंक आपको यहाँ पर पता होगा। वेजेस और सैलरी, देर आर टू टर्म्स, they do not, we can't use these terms interchangeably because दोनों का meaning अलग होता है। Wages का मतलब क्या होता है? When a person renders his or her services and in return that person gets a daily remuneration. कोई person अपनी service देता है, अपना मतलब जो भी उसकी skill है, knowledge है, उसको देता है और बदले में उसको जो भी पैसा मिलता है, जो भी remuneration मिलता है, compensation मिलता है, अगर वो daily मिलता है तो वो जो daily उसको मतलब जो पैसा मिल रहा है उसके सर्विस के बदले में वो वेजेस कहलाता है। ठीक है, जो डेली अमाउंट उसको पे किया जाता है दैट इज द वेजेस। और अगर वही अमाउंट उसको मंथली पे किया जाता है, वो कितना भी अमाउंट हो मंथली, अगर यानी कि वंस इन अ मंथ इफ द एम्प्लॉय, इफ द लेबर और वर्कर और एम्प्लॉय इज पेड, सो दैट अमाउंट इज नॉन एज द सैलरी। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि रशिया में जो उस टाइम था, यानी कि जो रशिया इकोनॉमी थी, तो रशिया जो था रशिया में फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो थे वहाँ पर रोमनोव डायनेस्टी थी। देखिए रोमनोव डायनेस्टी हुआ करती थी वहाँ पर, तो ये डायनेस्टी आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, और ये शायद बुक में भी गिवन नहीं है। तो रोमनोव डायनेस्टी थी और रोमनोव डायनेस्टी के जो किंग होते थे वो उनको ज़ार बोला करते थे। ज़ार स्पेलिंग कोई भी हो सकती है, आप PSP लिख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो राइट एज द CZ, तो दोनों ही करेक्ट है। इसमें टी और सी जो होता है दैट कीप्स ऑन साइलेंट, वो साइलेंट रहता है। तो ज़ार उनके राजा हुआ करते थे, रोमनोव डायनेस्टी हुआ करती थी, और ये जो किंग्स होते थे यानी कि जो इस डायनेस्टी के किंग होते थे वे किंग्स वर द ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक हुआ करते थे। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या ऑटोक्रेटिक किंग मतलब क्या होता है? देखिए जहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक वर्ड आ जाता है उस वर्ड का मतलब ये होता है अनलिमिटेड पावर इन वन और फ्यू है, अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड अथॉरिटी। तो जब अथॉरिटी या पावर एक या कुछ ही हाथों में रह जाती है, उन्हीं के हाथों में, मतलब दे हैव द फुल अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस, टू मैनेज द थिंग्स और टू एडमिनिस्टर द कंट्री, तो उसको ऑटोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे आज की डेट में हम लोग कई कंट्रीज में हम लोग देख सकते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हालांकि वो अपने आप को सूडो डेमोक्रेटिक क्लेम करते हैं, बट इन रियलिटी दीज कंट्रीज वर्क ऑन द ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक नॉर्थ कोरिया है एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अनलिमिटेड पावर्स होती है। तो 1894 से जो रशिया में नए जो ज़ार आए थे उनका नाम था ज़ार निकोलस सेकेंड। ठीक है, ज़ार निकोलस सेकेंड थे
और इनकी वाइफ थी जरीना, जिसको जरीना बोलते थे। और यहाँ पर इनके इनके ये माना जाता है कि जो जार निकोलस सेकेंड थे, ऑब्वियसली ये भी ऑटोक्रेटिक थे, लेकिन इनके ऊपर एक पर्सन था जिसका नाम था रास्पुतीन। रास्पुतीन, रास्पुतीन कौन था? एक चर्च का प्रीस्ट था, चर्च का एक ऑफिशियल था। तो रास्पुतीन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ करता था इसके ऊपर, जो जार निकोलस थे। तो ये कहते थे जो अभी रास्पुतीन कौन था, रास्पुतीन ये कहा करता था, ये क्लेम करता था कि जो भी मतलब मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है तो मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, और मतलब जो भी चीजें इम्पॉसिबल होती है मैं वो सब कर सकता हूँ। तो रास्पुतीन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जार के ऊपर, जार निकोलस के ऊपर। लेकिन कई बार ये बात भी आती थी कि जो जरीना थी, यानी जो जार की वाइफ थी, और जो रास्पुतीन थे, इन दोनों का कुछ अफेयर्स वगैरह भी था। तो जब सोसाइटी में ये बात लीक होती है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल थे, जो कॉमन पब्लिक थी, वो इनसे बहुत ज्यादा एंगर हो जाती है और बहुत ज्यादा मतलब एक एवेंज फॉर्म में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया। अब हम लोग बात करते हैं अपने रशिया में, रशिया में कैसे आगे जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में जो लोग थे उनका आइडियोलॉजिकल सिस्टम क्या था, वो लोग कौन सी आइडियोलॉजी पे काम करते थे, और किस टाइप की सोसाइटी दे पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखिए, रशिया में मेनली तीन टाइप के लोग थे, दैट मीन्स तीन टाइप के मतलब थ्री आइडियोलॉजिकल बेस्ड लोग थे। वन वॉज लिबरल्स, सेकेंड वॉज रेडिकल्स, एंड थर्ड वन वॉज कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो अब इन तीनों का माइंडसेट क्या था, ये तीन कहां पर अपना डिफरेंट डिफरेंट व्यू रखते थे। तो जो लिबरल्स थे, लिबरल्स क्या चाहते थे, देखिए आपको पॉइंट्स पर फोकस करना है। लिबरल्स चाहते थे जो सोसाइटी होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलर सोसाइटी होनी चाहिए। सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता। एवरी रिलीजन इन द कंट्री, एवरी रिलीजन इन द सोसाइटी इज इक्वल, सारे धर्म बराबर है। एवरी पीपल, हर पीपल का जो फेथ है, जो बिलीफ है, दैट इज इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट। तो सोसाइटी शुड बी सिक्योर। एंड और ये क्या मानते थे, उसके बाद उनका कहना था जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल राइट्स, राइट्स की बात जैसे हम लोग आज की डेट में करते हैं अपने इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से गौरव किया हुआ है। तो इंडिविजुअल राइट्स जो होते हैं, दे आर प्राइम ऑन द, दे आर प्राइम ओवर द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की पावर है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स है। आपको सीधा ये समझना है कि इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टेट्स पावर और द स्टेट अथॉरिटी। यानी गवर्नमेंट को पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑलरेडी रन कर रहा था, तो इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो जो इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स है, लाइक फ्रीडम टू रिलीजन, लाइक फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड सम ऑफ द बेसिक फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, एंड सो मेनी अदर बेसिक राइट्स विच एन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट टू, दे आर मस्ट टू लिव इन द सोसाइटी। तो इंडिविजुअल राइट्स जो है, दे आर प्राइम ओवर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट जो इनका मानना था, वो इनका लिबरल्स ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो नया सिस्टम हम चाहते हैं, द सिस्टम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एंड द न्यू गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, जो सिटीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। देन वो इलेक्टेड होनी चाहिए या सिलेक्टेड होनी चाहिए, देखिए इलेक्टेड होता है कि लोगों ने आपको चुन के, आपको इलेक्शन के थ्रू पावर में पहुंचाया है, एंड सिलेक्शन होता है कि कुछ लोगों ने नॉमिनेट करके, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, मतलब जिनको पसंद करते हैं, फेवर करते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है,
कुछ लोगों ने उनको पावर तक पहुंचा दिया है। तो कौन सा मेथड जस्टिफिएबल है या मतलब एक अप्रोप्रिएट मेथड है? इलेक्शन, नॉट द सिलेक्शन। तो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो लिबरल्स का ये मानना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए जब इलेक्शन की बात हो ही गई है, इलेक्शन होना ही चाहिए, तो किस क्या सिस्टम होना चाहिए इलेक्शन के लिए? तो क्या ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या ये लोग इसमें बिलीव करते थे? तो देखिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इन लोगों का विश्वास इसमें नहीं था। दैट मीन्स ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मीन्स एवरीवन, ऑल, एडल्ट मीन्स अबव 18, जो 18 से अबव है, एंड फ्रेंचाइजी मीन्स क्या होता है? राइट टू वोट, वोटिंग राइट। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि एवरीवन हु इज अबव द 18 इयर्स ऑफ एज शुड हैव द राइट टू वोट इन द कंट्री। लेकिन ये तो मानते नहीं थे, लोग तो बोल रहे कि नहीं हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं चाहिए, और हम वोट तो फिर किस कैसे वोटिंग कराएंगे? इन्होंने कहा जो प्रॉपर्टीड मैन है, यानी जिनके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल है, जो वेल्दी पर्सन है, और मेनली जो मैन है, यानी कि वेमेन, वेमेन को क्या बोलती है? दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिटीजन। वेमेन को सिटीजन माना ही नहीं है, तो प्रॉपर्टीड मैन के पास खाली राइट होगा वोटिंग का। तो और वेमेन को इन लोगों ने फाइनली नेग्लेक्ट कर दिया कि वेमेन जो है दे डू नॉट लाई इन द डेफिनेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो लिबरल्स के बारे में यही मेन पॉइंट्स आपको समझने हैं कि लिबरल्स क्या थिंकिंग करते थे, क्या उनका माइंडसेट था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने जो रेडिकल पीपल थे सोसाइटी के, यानी कि कुछ और भी लोग थे जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखते थे। तो रेडिकल्स का मतलब क्या होता है? देखिए रेडिकल वो लोग होते हैं जो बहुत फास्ट चेंज चाहते हैं, इट मीन्स बहुत मतलब एक सिस्टम है, बहुत जल्दी से बदलना चाहते हैं। तो रेडिकल्स का सबसे पहला जो बिलीव था वो ये था कि रेडिकल्स मानते थे कि जो वुमेन है, यानी जो वुमेन का सफरेज राइट है, सफरेज मतलब वही जो वोटिंग राइट है, उनको मिलना चाहिए। ये सपोर्ट करते थे वुमेन इस रिगार्डिंग, जितने भी मूवमेंट्स करती थी, देखिए वुमेन का जो मतलब जो लोग वुमेन के कॉज को सपोर्ट करते हैं, दे पीपल आर नॉन एज द फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट। चाहते हैं कि जो सिस्टम ऑलरेडी रन कर रहा है यही रहे, ना तो पुराना आए
ना नया चाहते हैं, जो है वही ओके है। तो इस शब्द को बोलते हैं स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जो प्रेजेंट है, हम उसी में खुश है। वी डोंट वांट टू फॉलो द फ्यूचर वन एंड वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट द ओल्ड वन। तो ये कंजर्वेटिव थे, लेकिन यहाँ पर जो कंजर्वेटिव थे इन लोगों ने बोला कि जो पुराना सिस्टम है, यानी कि जो ओल्ड सिस्टम है, हम लोग उसी में खुश हैं। तो ओल्ड सिस्टम को इन्होंने बोला कि सही है, लेकिन नया जो चेंज था, जो न्यू चेंज था, उसको इन लोगों ने बोला कि हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और सेकंड जो इनका मेन पॉइंट था वो ये था कि सोसाइटी में जो विमेन के कॉज थे, यानी कि जो विमेन के कॉज थे, उनको भी इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट किया। और ये बोला कि हिस्ट्री जो है, जो पास्ट बीत चुका है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कंजर्वेटिव्स के। सबसे पहला तो ये था कि चेंज जो है हम नहीं चाहते, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो जरूरी है। तो चेंज इन्होंने बोला कि थोड़ा सा जरूरी है। और सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला था कि हिस्ट्री शुड बी रिस्पेक्टेड, हिस्ट्री को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, सो हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद के जो पार्ट्स हैं वो मैं फर्दर लेक्चर में करूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो आपके डाउट्स रह जाते हैं, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू।